गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 की तीसरी पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जो एक कविता है जिसका नाम है खिलौने वाला, जिन्हें श्री सुफ्त्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। बच्चा अपने माँ से कहता है, वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। खिलौने वाला किसे कहते हैं? जो खिलौना बिक्री करता है, उसके पास सुंदर सुंदर नए खिलौने हैं। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सरसर सरसर चलने वाली। खिलौने वाले के साथ क्या क्या खिलौने हैं? हरा हरा तोता जो पिंजरे में बंद है, गेंद जो एक रुपया की है, और छोटी सी मोटर गाड़ी है जो सरसर सरसर चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। उसके साथ कई तरह के सीटी भी है और सुंदर खेल भी, चाबी भर देने से चलने वाली भग भग कर रेल भी है। गुड़िया भी है बहुत भोली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष वाण है और छोटी छोटी तलवार। गुड़िया भी है बहुत भोली सी, जिसने कानों में बाली पहनी हुई है, छोटा सा टी सेट भी है और छोटे छोटे लोटे थाली जो खाने पीने के लिए है। खिलौने वाले के साथ छोटे छोटे धनुष वाण और तलवार भी है। तब खिलौने वाले कहता है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वो रहा पुकार। मुन्नी ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। तब मचल मचल कर सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तूने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। बच्चे अपने अम्मी को कहता है कि तुमने तो चार पैसे दे दिए, पर कौन से खिलौने लूँ, तुम भी सोचकर बताओ। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँ, यह तो है बच्चों के खेल। तब फिर बच्चा कहता है, तुम यह मत सोचना कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल लूँगा, यह सब तो बच्चों के खेल है। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तड़का को मारूँगा राम समान। तब सी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा। वो कहता है कि वो तलवार या तीर कमान खरीदेगा, वो जंगल में जाकर राम के जैसे तड़का और असुरों को मार भगाएगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यही रहूंगा कौशल्य में, तुमको यही बनाऊंगा। यह बच्चा कहता है, अगर वो कुछ दिन ऐसे ही करता रहा, मतलब असुरों को मारता रहा, तो वो रामचंद्र के जैसे बन जाएगा और तुम कह दोगी
बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे बन में मैं कैसे रह पाऊंगा। बच्चा अपने माँ से कहता है कि अगर उसकी माँ ने उसे बन जाने को कहेगी तो वो हंसते हंसते चला जाएगा। फिर वो कहता है अपने माँ को कि बन में अपने माँ के बिना वो कैसे रहेगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोठ में मन चाही चीजें देगा। दिन भर वो जंगल में तो घूम लेगा, पर रात के समय वो कहाँ लौटेगा। अगर उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किससे मांगेगा, और वो रूठ जाएगा तो उसे कौन मनाएगा, कौन उसे गोद में प्यार से बैठाएगा, तथा मन चाही चीज़ें कौन देगा उसे। वो अपने माँ को ये सब कहता है। इस प्रकार हम यह कविता समाप्त करते हैं। यह पाठ से आपका यह 3 प्रश्न होमवर्क होगा, जिन्हें आप कर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। धन्यवाद।